तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जैसा बोला हुआ है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। वो कह रहा है क्वेश्चन आपको एरिया निकालना है जो इससे 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 और एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, वो भी पहले क्वाड्रेंट में, हमें उसका एरिया निकालना है। कोई बात नहीं बच्चों, जल्दी से पहले हम बनाते हैं आपका कार्टेशियन प्लेन। यहां पर आप देख सकते हो मैंने आपका कार्टेशियन प्लेन बना दिया। ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। अब इस इक्वेशन को देख के साफ पता चल रहा है ये हमारा पैराबोला है। देखो वाई स्क्वायर का मतलब है, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर का मतलब साफ है कि यार हमारा पैराबोला है तो ऐसे होगा या तो हमारा ऐसे होगा। एक्स हमारा पॉजिटिव है तो इस तरफ की ओर पैराबोला का मुंह खुल रहा है, एक्स अगर हमारा नेगेटिव होता तो इस तरफ मुंह खुलता। ये तो पॉजिटिव है तो क्लियर है आपको ये वाला होगा। ध्यान से देख सकते हो आप, मैं बना देता हूं यहां पर जल्दी से। ये मैंने आपका सुंदर सा बना दिया बड़ा सा, ये लीजिए पैराबोला बना दिया। क्लियर है पक्का? अब देखते हैं, अगर थोड़ा सा और हल्का बना देता हूं। चलिए ठीक है, ओके ठीक है बच्चे। अब यहां पर x इज इक्वल टू 2, बच्चे यहां पर मान लिया मैंने x इज इक्वल टू 2 और फिर यहां पर x इज इक्वल टू 4 बोला मैंने, x इज इक्वल टू 4 यहां पर मान लिया। अब यार एक बात बताओ, इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं या नीचे की तरफ? मुझे ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में बोला हूं। देखो ध्यान से, मैं यहां से लाइन खींच रहा हूं और यहां से यारी लाइन खींच दी, दिख गया ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमें ये वाला रीजन निकालना है, हमें ये वाला रीजन निकालना है। देखो कैसे पता, ये वो रीजन है जो किससे बाउंडेड है। एक तो हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x जो कि ये रहा, देखो ये रहा हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, उसी का ग्राफ है ना ये। x इज इक्वल टू 2 आप देख सकते हो ये रहा, x इज इक्वल टू 4 आप लोग देख सकते हो ये रहा और x एक्सिस आप देख सकते हो ये रहा और ये जो रीजन बाउंडेड है वो पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्लियर है, हमें इसका एरिया निकालना है तो यहां पर वही लिखेंगे एरिया जो कि हमारा बाउंडेड है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी क्या है 2 से 4, 2 से 4 हमारी लिमिट कहां से आई है, हमारे एक्स एक्सिस से आई है वाई एक्सिस से। भाई एक्स एक्सिस से आई है तो हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, और अगर एक्स का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डीएक्स। ये बड़ा सिंपल है, फंक्शन ऑफ एक्स को बच्चों वाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई। तो मैं इसी लाइन में हटाकर इसे वाई लिख देता हूं। अब मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू देखो यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x था, स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा तो रूट में 9x आ गया, 9 अगर बाहर आएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा रूट एक्स। क्लियर है, तो y हमारा आ गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन 2 से 4 तक, और हमारा y कितना आ गया 3 रूट एक्स dx। देख सकते हैं बच्चों 3 को तो हम यहां ले ही नहीं रहे, 3 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे, कोएफिशिएंट से बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसे करते हैं, ध्यान से सुनो, रूट एक्स का अभी हमने करा था 3, रूट एक्स का अगर हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो एक्स की पावर 1/2 + 1 और नीचे भी आ गया 1/2 + 1। ठीक है, और यहां पर ये जो देख रहे हैं हमें लिमिट्स दे रखे 2 से 4 को हमने यहां लगा। क्लियर है, तो देखिए आगे इसे करते हैं 3, ये आ गया एक्स की पावर 3/2 और यहां पर भी 3/2 है, 3 नीचे रहेगा 2 ऊपर आ गया और ये आ गया 4 से 2। अब आपको पता है इस 2/3 को ना बाहर निकाल लेते हैं, अगर मैं 2/3 को निकालूंगा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/3 या 3 से 3 काट दो जो भी आप कह लो। देखो ध्यान से, अगर मैं 2/3 को बाहर निकालूंगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6/3 आ जाएगा। ठीक है, काट देंगे इसे बाहर, काटते आराम से, और हमारा बचा क्या एक्स की पावर 3/2 और लिमिट ये 2 से 4। ठीक है, अच्छा देखो ये कट रहा है, इसे काट लेते हैं, यहां पर आ गया 2। अब आपको पता है इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 2 आपका, पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को बैठाएंगे 4 की पावर 3/2, फिर माइनस, फिर इसकी जगह पर लोअर लिमिट को बैठाएंगे 2 की पावर 3/2। क्लियर है, चलो इसे कर लेते हैं हम जरा सॉल्व, देखते हैं कैसे होता है ये, इसे मिटा देता हूं बच्चों। यहां पर अगर हम देखेंगे 2, अगर आप इसे देखोगे तो ये आपका 4 की पावर 3/2 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये तो मैंने 4 लिख दिया, अब ये 3/2 लिख दिया माइनस, इसको आप तोड़ के लिख लो यार, इसको ना थोड़ा तोड़ के लिखो, इसको तोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक होगा 2 की पावर आपका 1 और एक हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/2, मैंने तोड़ के लिखा है। देखो तोड़ के लिखने का मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो पावर यही आ जाएगी दोबारा 3/2 आ जाएगी पावर।
ठीक है, तो देखते हैं अभी और क्या क्या हो सकता है। देखो इस 2 से तो ये 2 कट गया, तो ये कुछ आ गया 2 की पावर 3 होता है 8, और ये हो गया 2 और रूट 2। 2 की पावर 1 का मतलब होगा 2, और 2 की पावर हाफ का मतलब रूट 2, ऐसे लिख दिया। अब आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, या आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, यही आएगा आंसर। आप चाहो तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, या ऐसे ही छोड़ दो, जो भी है ये आ जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई कर देना, या आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ देना, जल्दी से कर लीजिए बच्चों।